नमस्कार, लोभसी किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं नींबू का अचार, खट्टा मीठा चटपटा लेकिन क्रश किए हुए नींबू का अचार। अचार बनाने के लिए हमने 7 नींबू लिए हैं। चीनी हमें जितनी चाहिए उतनी हम थोड़ी कम ज़्यादा ले सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा पसंद हो तो हम चीनी ज़्यादा ले सकते हैं। हमें ज़्यादा खट्टा अचार चाहिए तो हम थोड़ी चीनी कम भी ले सकते हैं। नमक, कौन से भी अचार के लिए नमक थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, तभी वो ज़्यादा दिन अच्छा रहता है। नींबू का अचार मसाला और 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ हमने ये नींबू 3 दिन पानी में रखे थे अच्छे से। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ धो के पानी में रख देना है और हर दिन पानी सिर्फ चेंज करना है। ऐसे मैंने 2 दिन रखा और तीसरे दिन ये नींबू निकाल लिए। आप देख सकते हैं कि पानी में रहने से एकदम ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं। ये अच्छे से साफ किए हुए धोए हुए हैं, इन्हें अब हम अच्छे से पोंछ लेंगे, क्योंकि नींबू हमें एकदम सूखे हुए चाहिए ताकि हमारा अचार ज़्यादा दिन अच्छा रहे। और जब हम ये नींबू पानी में रखते हैं, इनका विटामिन सी बिल्कुल कम नहीं होता, सिर्फ इनका जो कड़वापन होता है वो ही कम होता है, यानी कि हमारा अचार विटामिन सी से भरपूर होगा। तो चलिए अब इन्हें काट लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हम नींबू कैसे काटेंगे। पानी में रहने से एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी से बारीक भी हो जाते हैं, कड़वापन भी कम हो जाता है और हम जल्दी खा भी सकते हैं। इसके पीसेस कर लिए, अब इसके बीज निकालेंगे। ऐसे हम बाकी के नींबू के भी बीज निकाल लेते हैं। सब नींबू के हमने पीसेस कर लिए हैं और इसके बीज भी निकाल लिए हैं। अब इसमें हम चीनी डालते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अचार करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सब बर्तन जो हम यूज़ करते हैं अचार के लिए, सब एकदम ड्राई चाहिए, पानी का बूंद भी नहीं चाहिए। नमक भी डाल देते हैं ताकि सब तरफ नींबू को अच्छे से नमक लग जाए। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इन्हें हम मिक्सी में बारीक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने कैसे बारीक किया है, बहुत अच्छे से हो गया है। ऐसे हम बाकी सब नींबू, चीनी और नमक को बारीक कर लेते हैं। यहाँ हमारे पूरे नींबू बारीक हो गए हैं चीनी के साथ और नमक के साथ। आप यह इसकी कंसिस्टेंसी कैसे हो गई है देख सकते हैं, हमने कैसा बारीक किया वो भी आप देख सकते हैं। अब इसमें हम बाकी के बचे हुए मसाले डाल देते हैं। 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये नींबू के अचार का मसाला। अगर आपको ये अचार व्रत के लिए खाना है तो आपने नींबू का अचार मसाला नहीं डाला तो भी चलता है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, लेकिन ये नींबू के अचार का जो हमने मसाला डाला है उसकी वजह से ये अचार बहुत ही चटपटा और बहुत टेस्टी बनता है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसका और ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसका सीक्रेट एजेंट डालेंगे, वो है भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमारा ये 10 से 15 मिनट में अचार एकदम तैयार हो गया है। इसको पकाने की भी ज़रूरत नहीं, सूखे बरनी में अच्छे से रख दिया केयर की तो 1-2 साल अच्छे से रहता है। अब इसे हम पैक कर लेते हैं, बरनी में भर देते हैं। हमारा चटपटा विटामिन सी से भरपूर क्रश किया हुआ अचार एकदम रेडी है। अब इसे हम कांच के जार में भर देते हैं ताकि बहुत दिन अच्छे से रह सके। आप भी ऐसा चटपटा क्रश किए हुए नींबू का अचार बना के देखिए, सबको बहुत पसंद आएगा। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है क्योंकि थोड़ा सा सॉस जैसे भी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लोभसी किचन को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली रेसिपीज आप देख सकें। धन्यवाद।